हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं द सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांसल पैलेस में, जहां एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे काफी सारी जो औरतें हैं सज धज कर आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज किस पर्पस के लिए तैयार हुई है। हेलो मैम, आपका नाम? मैम गिफ्टी गिल। मैम, आप आज इतना सज धज कर आए हैं, किस पर्पस से आए? मैम यहाँ पे अपने सिरसा में एक प्रोग्राम चल रहा है, मिस और मिसेस सिरसा का, तो उसी के लिए। आपने पहले की भी कभी ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड किया है जिसके लिए आप इतना तैयार हुई हो? कभी पहले भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है? हाँ जी मैम, किए हैं, बट मैंने मॉडलिंग की है, सॉन्ग वगैरह में किया, वैसे कोई ऐसा पहले नहीं किया, मिस या मिसेज में ट्राई। मैम आप मुझे ये बताइए कि जिन लड़कियों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक भ्रम है लोगों को कि अगर हम इस लाइन के अंदर अपनी बेटियों को भेजते हैं तो भी उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं मैम, मैं यही बताना चाहूँगी कि लड़कियों को भी पूरा हक है। मैंने तो इसी मैटर पे एक पोएम भी बोलनी है आज यहीं पे, ठीक है? लड़कियों को भी आगे जाने का उतना ही है जितना लड़कों को हक है, तो मैं यही कहूँगी कोई भी लाइन गंदी अच्छी नहीं होती, वो तो अपनी सोच पे डिपेंड करती है। ये अपॉर्चुनिटी जो मंजू शर्मा जी ने हम सबको दी है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। डेफिनेटली इससे हम अपनी अंदर की चीज़ों को और इन्हेंस कर पाएंगे, हमें पता लग सकेगा कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ताकि हम उनको बाहर निकाल सकें और उनको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जो हम कर रहे हैं। आप ऐसी फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी बहुओं को सपोर्ट नहीं करती है? मेरा मैसेज यही रहेगा कि प्लीज़ दबा के ना रखें उनको, उनको भी उड़ने दें, क्योंकि आपकी अगर बहू है तो पोती भी होंगी, बेटी भी होंगी, तो सबको मौका मिलना चाहिए। जब मैम आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो आप कितनी एक्साइट थी? बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला ऐसा कुछ हो रहा है सिरसा में भी, तो ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है मिस को भी और मिसेस को भी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली मेरा क्या है, मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ ऐसे इवेंट्स में जो भी फैशन शोज़ होते हैं। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन मैनी फैशन शोज़, एंड दैट्स वाई मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे क्यूरियसिटी थी कि बहुत, मुझे एक्साइटमेंट काफ़ी थी कि यहाँ पे मैं जाऊँ, पार्टिसिपेट करूँ और मिस बनूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं बचपन से ही, मतलब बहुत इंटरेस्टेड थी फैशन वगैरह में, और मम्मी मेरी हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती रहती है, तो जब भी मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। आपको फैमिली का फुल सपोर्ट मिला? हाँ जी, फैमिली का फुल सपोर्ट है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसे पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को ऐसी जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको कहना चाहूँगी कि हर एक बेटी को मौका देना चाहिए, क्या पता वो आगे जाके सुष्मिता सेन की तरह, मतलब कि ऑल अचीवमेंट्स उसकी लाइफ में मिलें उसे। और मैम ये बताइए कि इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ जी, दोनों को इक्वल चांस मिलना चाहिए। अगर एक मैरिड वुमेन है तो अब ऐसा तो नहीं है उसकी लाइफ खत्म हो गई है, उसको भी ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स के अंदर चांस मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। तो आप इस कॉम्पिटिशन की तैयारी कब से कर रही हैं? तैयारी मैं जैसे, वैसे मैं चंडीगढ़ में स्टडीज़ कर रही हूँ, तो जैसे छुट्टियों से मैं वापस आई घर पर, और तभी से मतलब तैयारी शुरू हो गई थी, शॉपिंग वगैरह, और फिर कंचन मैम ने भी हमें ट्रेनिंग दी काफ़ी दिन। बहुत इसके लिए हार्डवर्क किया है, काफ़ी दिनों से हम लोग इसके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जब से अनाउंस हुआ, एंड इनका जो मेन थीम रहा है वो ट्रेडिशनल बेस है, तो इसलिए मैं आज पंजाबी कल्चर को फॉलो कर रही हूँ उसमें, आई एम रिप्रेजेंटिंग पंजाबी कल्चर। मैम आपको ये तैयारी करने में कितना वक्त लगा? नियर अबाउट 1 वीक और 10 डेज। या आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिला? या फुली सपोर्ट। क्या कहा उन्होंने जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली? उन्होंने कहा वी आर विद यू एंड कीप डूइंग, यू कैन विन। या